अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जिले के बढ़रिया थाना क्षेत्र के गौसीहाता गांव में वर्चस्व की लड़ाई में दो गुटों के बीच विवाद में जमकर फायरिंग हुई है। गोलीबारी के दौरान बाजार में भगदड़ मच गई। डर से गौसीहाता बाजार की सभी दुकानें बंद हो गई। बाजार पर अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। पल भर में बाजार में सन्नाटा पसर गया। लोग इधर उधर भागने लगे। लगभग 20 राउंड गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई है। विवाद में दो लोग घायल हो गए। एक पक्ष से गौसीहाता गांव के ही अली मोहम्मद का पुत्र साबिर अली तो दूसरी तरफ से आरा मशीन संचालक अलीमुद्दीन का एक कर्मचारी शमशेर गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए बढ़रिया भेजा गया, जहाँ से गंभीर स्थिति को देखते हुए शमशेर को सिवान रेफर कर दिया गया। वहीं साबिर अली को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। दो दिन दोनों के बीच फोन को लेकर विवाद हुआ था। इसी को लेकर प्रतिशोध में शनिवार को करीब 3 बजे शाम को शहबाज के साथ करीब 10 की संख्या में अज्ञात लोग हथियार से लैस होकर गौसीहाता बाजार पर आकर उपद्रव करने लगे और आग ताप रहे साबिर को पकड़ के पीटने लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी पर गौसीहाता के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े, जहां हथियार से लैस अपराधी गोलियां चलाने शुरू कर दिया। हालांकि उनके द्वारा हवाई फायरिंग की गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोली लगभग 20 राउंड चलाई गई है। इधर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपित गौसीहाता के शहबाज को करीब 2 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हवाई फायरिंग में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। न्यूज़ सीना तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।